हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से काफी नुकसान हुआ है। प्राकृतिक आपदा ने ऐसा कहर बरपाया है कि पूरे हिमाचल के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। प्राकृतिक आपदा से जिला चंबा भी अछूता नहीं है। जिला चंबा के तहत आने वाले लोक निर्माण विभाग मंडल तीसा की बात करें तो बीते दिनों हुई भारी बारिश से जगह जगह सड़क में भूस्खलन की घटनाएं सामने आई। वहीं दूसरी ओर सड़क में मलबा पड़ने से कई संपर्क मार्ग व मुख्य मार्ग भी बंद हो गए थे। हालांकि इस प्राकृतिक आपदा के दौरान मानसून में लोक निर्माण विभाग मंडल तीसा को 20 करोड़ 21 लाख रुपए का भारी नुकसान हुआ है। यह जानकारी लोक निर्माण विभाग मंडल तीसा में कार्यरत अधिशासी अभियंता जोगिंदर कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उज्जवल हिमाचल के लिए चंबा से शैलेश शर्मा की रिपोर्ट। हमारा जो पीडब्ल्यूडी डिवीजन तीसा है, इसमें इस बरसात के टाइम में लगभग 20 करोड़ 21 लाख का नुकसान हुआ है, जिसको हमने तो हर रोड जो है वो टेम्परेली रिस्टोर भी कर दिए हैं। और हमने इन पूरी बरसात में यही कोशिश करी है कि छोटी भी गाड़ियां चलती रहें लिंक रोड्स में भी, तो हमारी मैक्सिमम यही टेंडेंसी रही है कि हमने सारी रोड जो है टाइम टू टाइम क्लियर भी कर दी हैं। और अभी भी खैर डाइवरीज तो बहुत हैं, बट ये है कि हमारी जो है बस सर्विस हर रोड पे चल रही है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स 16